अंजड के समीपस्थ नर्मदा तट किनारे स्थित डू प्रभावित अति प्राचीन गांव मोहीपुरा अपने आप में हजारों साल का इतिहास लिए हुए कई विशेषताओं से भरा हुआ है, जो आज सरदार सरोवर बांध के चलते डूबने की कगार पर पहुंच गया है, जो आने वाले दिनों में पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। ग्राम मोहीपुरा का इतिहास वेद पुराणों के अलावा नर्मदा पुराण में भी मौजूद है। यह गांव ब्रह्मलीन स्वामी अमृतानंदपुरी की तपोस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहां रेवा आश्रम में स्थापित शिवलिंग तथा काले पत्थर से बनी भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को 1000 वर्ष पुराना बताया जाता है। गांव के मध्य पांडवकालीन बेजेश्वर महादेव मंदिर में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान नकुल के कर कमलों से शिवलिंग की स्थापना करवाई थी, जिसका उल्लेख मंदिर के मुख्य द्वार पर लगी पांडवलिपि शिलालेख में वर्णित है। यहाँ श्री राम मंदिर में हजारों साल पुरानी भगवान द्वारिकाधीश की काले पत्थर की चतुर्भुज प्रतिमा भी स्थापित है, जिसे मुगल काल के दौरान मूर्ति तोड़े जाने के डर से इस मूर्ति को जमीन में दबा दी थी। उसके बाद 1609 ईस्वी की वैशाख शुक्ल में बड़वानी के राजा मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के समय मूर्ति को जमीन से निकलवाकर यही स्थापना करवाया था। इस तरह हजारों साल का इतिहास लिए यह गांव हमेशा के लिए जल समाधि लेने को तैयार है, जिसके साथ ही डूब जाएगी यहां बसे रहने वाले लोगों की यादों की निशानियां, सिर पर रह जाएगी यादें। सरदार सरोवर बांध के चलते कई गांव जलमग्न हो जाएंगे, जिसमें से एक गांव मोहीपुरा भी है, जो अपना हजारों साल का इतिहास लिए है। यहाँ कई सदियों पुरानी प्राचीन धरोहर मौजूद है। यहाँ लोगों के घर आंगन के साथ डूब जाएगी उनकी जीवन से जुड़ी कई निशानियां और सिर्फ रह जाएगी यादें। अंजड़ से लोकतंत्र न्यूज के लिए सुनील भावसार की रिपोर्ट।